वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप्स। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो भाई एक ब्लैक बीस्ट बहुत सारे फीचर्स के साथ रेडी हो चुका है, और जो मेरे फ्रेंड नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबाओ, फिर ही आपको ऐसी गाड़ियों के नोटिफिकेशन मिलेंगे। बाकी भाई वीडियो के अंदर काफ़ी सारी डिटेल जो होती है वो हम डिस्कशन करते हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। तो जरूर जो है बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबाएं, और जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारे फ्रेंड जुड़े हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लें। तो बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। जो इसके अंदर मेनली फीचर लगाया गया है सस्पेंशन सिस्टम, जो हमारे कस्टमर होते हैं ना उनको थोड़ा प्रेशराइज भी करता हूं। देखो मैं बोलता हूं कि मेरे को, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस है, मेरे को अच्छा लगता है अगर कस्टमर दो पैसे ज़्यादा लगाता है और उसको क्वालिटी लेना होता है तो आप सस्पेंशन सिस्टम की तरफ ही जाएं। अगर आप पाटा सिस्टम की तरफ जाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पाटा सिस्टम के साथ भी गाड़ी बना देंगे। लेकिन क्या है दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने गाड़ी चलाया हुआ है, जो ड्राइव करने का मज़ा सस्पेंशन सिस्टम में है वो पाटा सिस्टम में नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने पाटा सिस्टम में भी गाड़ियां बना के दी हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम पाटा सिस्टम में नहीं बना के देंगे, बना के दिए हैं। लेकिन क्या है, जिनका बजट कम होता है या फिर भाई जिनको चाहिए ही पाटा सिस्टम, तो वो तो पाटा सिस्टम की तरफ जाता ही है। नहीं तो मैं जो प्रेशराइज करता हूं, मैं जो सजेस्ट करता हूं सस्पेंशन सिस्टम के लिए ही सजेस्ट करता हूं। और टायर, ऑन रोड टायर के लिए, ये टायर मैं पसंद ही नहीं करता भाई, फिर भी कस्टमर लगा लेते हैं। देखो अगर आपको लुक चाहिए भी, हाँ यार एक गाड़ी जंबो गाड़ी दिखना चाहिए, तो फिर उसके लिए ये बेस्ट टायर है, क्योंकि इस टायर जितना लुक किसी टायर में नहीं आता। हाँ अगर आप जो स्मूथनेस चाहते हो या फिर आप ड्राइव का एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का चाहते हो तो फिर आप ऑन रोड टायर लगाएं। बाकी ऑन रोड में बहुत सारी वैरायटीज आ रही हैं आजकल, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लगा सकते हो। तो गाड़ी बनाया हमने एंग्री वर्ड ग्रिल, इसमें भी दो तीन तरह की ग्रिल आती हैं, जैसे ग्लैडिएटर ग्रिल हो गया, एंग्री वर्ड ग्रिल हो गया, प्लेन ग्रिल हो गया, तो वो आपकी चॉइस है, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही गाड़ी आपको रेडी कर देंगे। तो आप देख रहे हो आगे जो है मुस्ताज बम्पर इसके अंदर लगा दिया गया है, और यहाँ पे लगी हैं 4x4 लाइट्स, यहाँ पे भी अपन बिग लाइट्स लगवाएं, जो हेलोजिन आती हैं, एचडी लाइट्स आती हैं तो वो लगवाएं, उसका ज़्यादा बेनिफिट है। ये तो भाई एक लोकल मेड ही मानो आप लाइट्स, इसको हम इसका कोई चार्ज तो लेते ही नहीं है, अपन यही बोलते हैं भी कुछ अच्छी लाइट्स लगवा लो। यहाँ पे इन्होंने LED इंडिकेटर लगवाए हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। और ऊपर देख रहे हो आप जो है हमने इसका कॉम्बिनेशन किया है स्टिकरिंग का। तो इसके अंदर जो सीट्स है, इंटीरियर है, वो टोटल ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है, और पीछे भी आप देख रहे हो बार पाइप वगैरह सारा कुछ जो है वो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में रेडी किया है। सिंपल बलेरो टेल लैम्प लगवाई है उन्होंने, और पीछे एक छोटी सी कुल्हाड़ी लगवा ली है, बाकी कोई टायर नहीं लगवाया, कोई रियर जैक नहीं लगवाया, कोई हैवी हुक नहीं लगवाया, तो ये चीज़ों से वो दूर रहे, अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ कम से कम खर्चा करें, अगर खर्चा करना ही है सस्पेंशन सिस्टम लगाएं, अगर आपके पास गर्मी एरिया है तो AC इसके अंदर ऐड करवा लें, और म्यूजिक का क्रेज है तो म्यूजिक हमसे लगवाएं। ये तीन चीजें का ध्यान रखें, बाकी भाई ज्यादा लाइटिंग फाइटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा बड़े बड़े टायर डालने की जरूरत नहीं है। और भाई क्या चीज होता है, मेनली क्या होता है, इंजन, तो इंजन हम महिंद्रा बलेरो टर्बो का ही रखते हैं। किसी और वीडियो में बताएंगे कि टोयोटा इंजन रखवाएं या फिर महिंद्रा बलेरो इंजन, तो किसी और दिन उस टॉपिक के ऊपर जरूर बात करेंगे। तो भाई मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।